ग्रामर रूल्स हैं शॉर्ट देखेंगे हम, हमारा सेंटेंस क्या आता है एग्जाम में अगर कंपटीशन में आता है, द पुअर आर और इज ट्रस्टवर्दी। अब आपको हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर कौन सी लगानी है, सेम द रिच वास और वर में से हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगानी है। तो अब हम क्या मानते हैं, पुअर सिंगुलर गरीब, लेकिन द रिच द पुअर द इंग्लिश द ओल्ड द फ्रेंच द यंग, जब ये रिच है ये पुअर है, इस तरह के वर्ड के साथ जब हमारा द लग जाता है तो ये जो वर्ड जो होते हैं हमारे प्लूरल बहुवचन बन जाते हैं। पुअर है तो गरीब है, लेकिन द लग गया तो इट मीन्स हमारा हो जाएगा सभी गरीब लोग या सभी गरीब, इट मीन्स सभी गरीब, पूरी उसकी बात आ जाएगी कि सारे गरीब, तो सारे गरीब मीन्स बहुवचन हो गया। द रिच है, रिच अमीर है, और द लग गया तो इट मीन्स सभी अमीर, इट मीन्स सारे अमीर लोग जो होते हैं सभी। यंग है, जवान है, द लग गया सारे जवान। बूढ़ा है, ओल्ड, द लग गया सभी बूढ़े। इसी तरह सबके साथ द लगने पर ये प्लूरल बन जाते हैं। तो फिर इसमें क्या होगा चिन्ह, द पुअर है तो हेल्पिंग वर्ब फिर हमारी पुअर प्लूरल ही लगती है, इज नहीं लगेगी। तो सेंटेंस क्या सही होगा, द पुअर आर ट्रस्ट वर्दी, गरीब जो है भरोसेमंद होते हैं। गरीब भरोसेमंद होता है नहीं, यहाँ पर गरीब भरोसेमंद होते हैं, तो प्लूरल हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। द रिच वाज या वर में से, जैसा हमने रूल पढ़ा है ऊपर ये वर्ड्स पढ़े हैं, द लग गया तो इट मीन्स प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल ही लगेगी। द रिच वर अनकाइंड टू हिम, वर का यूज किया जाएगा ना कि वाज, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब नहीं प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के साथ लगेगी। बहुत इंपॉर्टेंट रूल आपके कंपटीशन एग्जाम के अकॉर्डिंग ये होगा। एक दूसरी चीज़ ये भी है कि आप प्लूरल बनाने के लिए कई बार क्या होता है, यहाँ पर एस जोड़ देंगे, एच मीन्स द पुअर्स नहीं होता है, ये एस गलत होगा, सिर्फ द पुअर होने से ही बहुवचन बन रहा है, एस हमें नहीं लगाना। द रिचेज नहीं होता है, एस नहीं लगता है, द रिच लगाने से ही अपने आप में ये अपने आप में प्लूरल है, इनमें आपको एस ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कंपटीशन एग्जाम में आप ये भी देखेंगे कि अगर एस है यहाँ पर तो आपको पहले तो उसी में गलती देखनी कि एस वाला गलत पार्ट होगा, अगर पार्ट्स में देखें कौन सा पार्ट गलत है सही है, और यहाँ पर एस लग जाता है तो इसी पहला पार्ट गलत होगा। तो ये ऑलरेडी प्लूरल बन गए हैं द लगते ही, और हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल ही यूज़ होगी।